सबसे पहले तो मैं स्पेशल थैंक्स जी म्यूज़िक कंपनी को देना चाहूँगा। ये सॉन्ग पे मैंने कंपोज, सिंगिंग, एक्टिंग एंड डायरेक्शन किया है, और प्रोड्यूसर अहमद फैजल इनाम सर ने बिलीव किया मुझ पे। प्रोडक्शन हाउस ड्रीम म्यूज़िक को थैंक्स देना चाहूँगा, ईपी ब्लू एवोल्यूशन फिल्म्स एंड एक्ट्रेस अदिति शर्मा। वेल, आई एम वेरी हैप्पी दैट द म्यूज़िक वीडियो केम आउट सो वेल। मैं बहुत ही खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके। यहाँ पे सब ने बहुत हार्ड वर्क पुट इन किया एंड आई एम श्योर कि आप सबको भी ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। स्टार्टिंग में जब मैं ये सॉन्ग कंपोज कर रहा था, तो क्योंकि ये सॉन्ग सैड सॉन्ग था, तो इसको मैंने बैलेट फिल्म में कंपोज किया था। एंड जब मैं कंपोज कर रहा था, साथ ही साथ मैं कॉन्सेप्ट सोच रहा था कि क्या कुछ अलग किया जा सकता है इसके साथ, कुछ हटके करना चाहिए एंड मैसेज भी पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब मैसेज जाना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन मैं सोच रहा था कि इस पर अगर ड्यूअल कैरेक्टर प्ले किया जाए नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्टिंग पे, तो मैंने एक्टिंग पे दोनों किरदार रखा, एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट फाइनली मैसेज जो था उसका पॉजिटिव होना चाहिए था, तो मैंने उस हिसाब से स्टोरी को डिज़ाइन किया था। एंड डायरेक्शन, एज पर डायरेक्शन आर्टिस्ट ने भी बहुत अच्छे से काम किया जी। इससे पहले मेरे जी म्यूज़िक कंपनी से दिल मेरा नॉटी सॉन्ग रिलीज़ हुआ था, जो कि डांस बेस्ड सॉन्ग था। उसमें मैंने कोरियोग्राफी, कंपोजिंग एंड सिंगिंग किया था, एंड लेजेंडरी श्रेया घोषाल के साथ भी मैंने गाना गाया, तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ। सो ये कमर्शियल सॉन्ग्स था, एंड ये जो सॉन्ग था ये थोड़ा अलग था। इसमें लाइक थोड़ा स्टोरी बेस्ड, एक्टिंग बेस्ड के हिसाब से हम लोग ने ये किया। एंड जो इससे पहले सॉन्ग्स थे वो लाइक कुछ क्लासिकल थे, कुछ पॉप थे, कुछ इंडी पॉप थे, मेलेडी थे। इस पे इसका बैलेड फील था, तो इसको हम लोग सोचे थे कि अलग वे में एग्जीक्यूट किया जाए इसको। तो उसी हिसाब से मैंने फ्लिपकार्ट वीडियो में एक वेब सीरीज़ किया था, उसमें लीड रोल में किया था, तो उसका भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। एंड एड्स तो करते ही रहता हूँ बीच बीच में। हिंदी बॉलीवुड में पहला है, बट इससे पहले रीजनल लैंग्वेज में मैंने काफ़ी सारे कंपोजिशंस किए हैं। आने वाले कंपोजिशन और प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? आने वाले कंपोजिशंस, जैसे मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉनर के मैं गाने गाऊँ, जैसे कंपोज करूँ एंड गाऊँ, जैसे कंटेम्प्रेरी ब्लूज हो गया, फिर इंडी पॉप हो गया, पॉप हो गया, रॉक हो गया, सेमी क्लासिकल हो गया। तो आने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में मैं कुछ ना कुछ इनोवेटिव ज़रूर करूँगा आप लोगों के लिए। आपका एक आर्टिकल भी आया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसका एक्सपीरियंस बताइए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ही टैलेंटेड हैं। आपको दिख ही रहा होगा कि कितने मल्टी टैलेंटेड हैं, कि इन्होंने इसमें गाया है, कंपोज किया है, एक्टिंग भी की है, डायरेक्शन भी किया है। तो आई थिंक इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि इन्होंने कितनी मेहनत की है इस पर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन्स, एंड एवरीबडी नोज कि इनके श्रेया घोषाल के साथ में इनका जो एल्बम निकला हुआ है, सो इट्स वेरी वेरी कमेंडेबल। गुड जॉब। वी आर फीलिंग लकी एंड ब्लेस्ड। अगर एक्चुअली ऑडियंस के लिए बनाया जाता है, उन्हें पसंद आता है, तो फिर इट्स अ सक्सेसफुल थिंग। तो सारी मेहनत अगर रंग ला रही है तो हम बहुत खुश हैं, और हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्लीज़ हमारा म्यूज़िक वीडियो देखिए, उसे पसंद कीजिए, अगर मतलब आपको अच्छा लगा तो ऑब्वियसली, एंड हमें आगे भी सपोर्ट करते रहिए जी। तो मैंने अभी कुछ एक वेब सीरीज़ की शूटिंग कंप्लीट की है, जिसमें मैं लीड प्ले कर रही हूँ, और एक और फिल्म की शूटिंग मैं करने जा रही हूँ, बट मैं किसी भी कोई डिटेल्स नहीं रिवील कर सकती हूँ, क्योंकि जब तक ऑफिशियली उन प्रोडक्शन हाउसेस से रिलीज स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं, तब तक आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू से एनीथिंग। छोटा था, छोटे से ही मैं सिंगिंग एंड डांसिंग दोनों करता था। एक्टिंग का मुझे इतना शौक बिल्कुल नहीं था बचपन में, मैं एक्टर कभी नहीं बनना चाहता था, बट जब मैं लाइक आफ्टर एट्थ स्टैंडर्ड मैं सोचा कि कोरियोग्राफी पर अगर कुछ कर सके, फिल्म मेकिंग पे अगर कुछ कर सके, तो जो मेरा सपना था कि म्यूज़िक वीडियोस पे काम करना, तो उस पर मैं कुछ कर सकूँ। तो जब मैं टेंथ में था, टेंथ पास आउट करके मैं जब इलेवेंथ में आया, तो उस टाइम पे मैंने फिल्म मेकिंग कोर्स किया, और उस टाइम पे फिर मैं 16 साल का था, बहुत छोटा था, और मैंने उस पर बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स, म्यूज़िक वीडियो बनाए थे, काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीता मैंने उस टाइम पे। कोलकाता इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता बेस्ट म्यूज़िक वीडियो में एज अ मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट, एंड देन मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी मुझे अवार्ड मिला, एंड 2020 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला। तो मैं बहुत ज़्यादा लकी फील करता हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे को और ज़्यादा बूस्ट किया कि कुछ करो। एंड जब मैं फिल्म मेकिंग कोर्स कर रहा था, तो मेरे जो साथ में दोस्त थे वो बोले थे कि तेरे को स्क्रीन पे आना चाहिए, तो क्यों बिहाइंड द कैमरा काम करेगा, तेरा लुक कैमरे के हिसाब से सही। तो उनका कहने से मैं बोला कि एक बार ट्राई कर सकता हूँ, जैसे माइकल जैक्सन खुद प्रेजेंट होते हैं स्क्रीन के सामने, तो वाई नॉट
नहीं, तो उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने भी कुछ वैसा अलग करने की कोशिश की इंडिया में। इंस्टीट्यूट एक्चुअली उसका उद्देश्य यही है कि उसमें जनरली कोर्सेस एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग एंड फिल्म मेकिंग है। जो नए कलाकार आते हैं मुंबई में, जिनको करेक्ट सोर्स नहीं मिलता, करेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, बीएफ इंस्टीट्यूट उनको पुश करते कि इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर पाए और आगे तक बढ़ पाए, उनके पोटेंशियल को देखते हुए उनको सपोर्ट करते हैं बीएफ। प्रोडक्शन हाउस में लाइक प्रोडक्शन हाउस जैसे ब्लू ओरिजिन फिल्म्स जो है उस पर लाइक काफ़ी सारे वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स एंड देन म्यूजिक वीडियोस होते रहते हैं। एंड जो अपने इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उस पर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको कुछ ना कुछ एक छोटा सा प्लेसमेंट मिल पाए। एंड प्रोडक्शन के हिसाब से कोई नया कलाकार जो लाइक काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो उनको हम लोग सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लिरिक्स राइटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कोरियोग्राफी हो या फिल्म मेकिंग हो। पर वो पब्लिक रिलीज के लिए नहीं था, दैट वॉज फॉर एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट। तो इंडिया में तो आई डोंट थिंक इट्स अवेलेबल, बट आई हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम बिकॉज उनका शूट करने का अंदाज, तरीका वॉज वेरी नॉट लाइक हाउ इट्स सीन हियर। तो इंडिया के लिए तो हाँ, ये शायद मेरा पहला होगा। एज मैंने कहा कि मैंने बहुत चीज़ों की शूटिंग कंप्लीट किया है इस साल, तो आपको ऑफिशियल चीज़ें मिल जाएंगी धीरे धीरे, जब रिलीज़ होंगी सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके अलावा मैं एड्स तो वैसे भी बहुत ही करती रहती हूँ, तो आप मुझे कभी ना कभी टीवी पे देख लें, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। एंड आई होप मैं आपको जल्दी किसी और प्रोजेक्ट में देखूँ और आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी कि द वेरी वॉर्म पीपल। मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता सकती हूँ कि क्योंकि जब मैं शूट किया उस दिन, आई थिंक मैं एक और एड का शूट कर रही थी, तो मेरा रात का आई हैड अ नाइट शूट दैट डे, और अगले ही दिन सुबह आई हैड टू शूट फॉर दिस म्यूजिक वीडियो, एंड ऑब्वियसली आई वॉज वेरी टायर्ड। सो हिज फैमिली एंड एवरीबडी वर वेरी वॉर्म टू मी, उन्होंने मुझे यू नो जस्ट गिव दे गेव मी माई कम्फर्ट, मुझे रेस्ट करने के लिए इंकरेज किया, मेरा खाने पीने में ख्याल रखा, सो दैट डे मैं आराम से अच्छे से शूट कर पाई। बिकॉज कंटिन्यूसली अगर किसी को स्ट्रेट 24 आवर्स शूट करना पड़े, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। मैं छोटी सी एक बात कहूँगा, इन्होंने उस दिन लाइक इनका स्लीप भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने इतनी जल्दी मतलब 2-3 टेक में इन्होंने एकदम मतलब परफेक्ट शॉट दिया, तो उसके लिए लाइक बहुत ही एक्सपीरियंस एक्टर है, तो वो एकदम मालूम पड़ता है। मैं यही कहना चाहूँगा यूथ के लिए कि जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको फोकस्ड रहना चाहिए, पैशनेटली अपना काम करना चाहिए और भटकना नहीं चाहिए रहा, और जो भी उनका कंटेंट है वो पॉजिटिव एंड स्ट्रांग होना चाहिए ताकि लोगों तक पॉजिटिव मैसेज आए। मुझे ऐसा लगता है इस फील्ड में जो भी आते हैं उनकी ड्राइविंग फोर्स अंदर से पैशन होता है। आपको अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि मुझे ये करना है। जब तक वो नहीं होता है तब तक यू नो यू कैन जस्ट बी वॉन्डरिंग अराउंड, आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आपको सच में इस इंडस्ट्री में कुछ करना है, यू हैव टू स्टे फोकस्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड ऑल्सो बिलीव इन योर सेल्फ फ्रॉम योर हार्ट। हेलो, मेरा नाम है स्वप्निल भद्रा। ये सॉन्ग ऐसा था वादा में, मैं एज अ कंपोजर, सिंगर, एक्टर एंड डायरेक्टर काम के हैं, और हमारे साथ पूरे कास्ट एंड क्रू है। ये हमारे कास्टिंग डायरेक्टर धनश्री मैम, हेलो, बंगाली लिरिक्स राइटर एच हीरो कथा म्यूजिक वीडियो का, इसको ये बंगाली वर्जन में, संगीता भद्रा एंड मी, एक्ट्रेस अदिति, लिरिक्स हिंदी का जो दिया सुनील चंद्रवंशी, एंड प्रोडक्शन पूरा कंट्रोल किया इन्होंने इंद्रनील। हेलो, पहले हिंदी लिरिक्स तैयार हुआ था, उसके बाद हम सोचा जो हिंदी लिरिक्स जब जैसे है हम लोग को वो कंपोजिशन किया है सपने ने, तो बस सपने बोला चलो एक काम लोग में, एक्चुअली सपने मेरा बेटा है, तो बोला मम्मी चलो हम एक बंगाल भी इसमें कर लेते हैं, तो सपने ने मैं दोनों मिलके वो लिरिक्स मैंने दिया है, और हिंदी के हिसाब से हम लोग बंगाली में ओरी दम छंदो सब मिल के किया है। ये सॉन्ग किसी के लाइफ के ऊपर है और उसके दिल के जज्बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उस सॉन्ग को लिखा। मैंने बहुत मेहनत किया इस सॉन्ग को लिखने में, और मतलब दिमाग कम दिल ज़्यादा लगाया था इसको सॉन्ग को लिखने के लिए, तो ये इतना अच्छा बना है सॉन्ग और काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगा ये सॉन्ग। प्रोडक्शन हाउस एंड साइड बाई साइड, और हमारा जो इंस्टीट्यूट है बीएफ इंस्टीट्यूट,
दोनों का ही जो है, जैसे इन प्रोडक्शन में क्रिएटिव पार्ट स्वप्ननील एंड संगीता देखते हैं, मैं टोटल मैनेजमेंट देखता हूँ, और इंस्टीट्यूट में भी फैकल्टी स्वप्ननील संगीता है, बाकी जो ओवरऑल जो जितना मैनेजमेंट जो है वो मैं करता हूँ। अभी क्या होता है इंस्टीट्यूट में को करते वक्त का जो स्टूडेंट्स लोग है ये लोग से भी बहुत कोऑपरेशन मिलता है, कैसे इधर हमारे साथ रूपाली है, विनय है, ये लोग बोल सकते हैं कि इन लोग भी कोऑपरेट किया और इन लोगों को कैसा मिलता है, मतलब क्या मिला इन लोगों को इंस्टीट्यूट से, ये लोग खुद बता सकते हैं। तो आप उनसे भी पूछ सकते हो कि कैसा उन लोगों का एक्सपीरियंस है इंस्टीट्यूट में। एज बिकॉज वी हैव अवर ओन प्रोडक्शन हाउस बीएफ इंस्टीट्यूट का अंडर, मतलब बीएफ ब्लू एवोल्यूशन फिल्म्स प्रोडक्शन का अंडर बीएफ इंस्टीट्यूट है, तो हम लोग जैसे सपनील ने बताया हम लोग इधर शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक वीडियोस, वेब सीरीज ये सब हम लोग करते रहते हैं, पहले भी कर चुका और बहुत सारे नया कलाकार को भी हम लोग चांस दिया। अभी क्या है साथ में हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में जो लोग अच्छा, मान के चलिए कोई अच्छा एक्टिंग करते हैं या कोई अच्छा डांस करते हैं या सिंगिंग करते हैं, तो उन लोगों का हमारा जो फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें हम लोग जरूर, क्योंकि ये एज बिकॉज वी आर हैविंग आवर ओन प्रोडक्शन वी कैन गिव देम चांस, वी कैन नॉट मिसगाइड देम, क्योंकि यहाँ बहुत सारा ऐसा रहता है इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बोलते हैं कि चांस दे दूंगा कर दूंगा लेकिन कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे तो ऑलरेडी हम लोग काम दे चुका और आगे भी हम लोग देंगे। तो ऑलरेडी अभी जैसे मैं एक अभी एक बता देता हूँ, जैसे सुनील को लिरिक्स में इधर अपॉर्चुनिटी मिला, लिखा अभी जी से निकल गया, तो ये भी एक मायने रखता है सबके लिए। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी बहुत सारे अच्छा सोच है हम लोगों का, ताकि जैसे सपने ने बताया बहुत सारे बंदे लोग इधर आके चैलेंजेस फेस करते हैं, तो ताकि वो लोग सही ढंग से सही दिशा में जाए, हमारे इंस्टीट्यूट में आए, सही दिशा में हम लोग उन लोगों को गाइड करेंगे। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, मैंने जब इनिशियली मैं मुंबई आया था तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था और बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी हुआ था, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो प्रेशर्स लोग आते हैं, जिन सपना लेके आते हैं, वो फेक जगह पे ना चला जाए, उनको करेक्ट वे में प्लेटफॉर्म दे, वही हमारा का साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा, क्योंकि इतना कोऑपरेशन मिला इनसे भी, हम लोगों को बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला, और जैसे सपने ने बताया कि एक दो टेक में वो हमारा कोई तकलीफ ही नहीं हुआ, क्योंकि टाइम हमारा बहुत कम था, उसमें इतना अच्छा किरदार निभाया, तो आप लोग शायद आप लोग भी मालूम है और इतने सारे प्रेज मिल रहे, तो थैंक्स टू अदिति ऑल्सो। बेंगोली वर्सन जो है, जो हिंदी पीपल है हिंदी समझ में नहीं आता बेंगोली, लेकिन बेंगोली से बहुत रिस्पॉन्स आया है कि ये बहुत बहुत, मतलब क्या बोले, हार्ट टचिंग है बेंगोली में जैसे लिखा है हम लोग, तो ऐसे वो गाना सुन के ही आंखों से आंसू आ जाता है, और पर्टिकुलरली आदित्य का जो वो रोना वाला जो सीन है वो, मतलब मुझे एकदम सच में क्या बोलूँ मैं, वो मुझे रुला गया। हमारे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट्स है जैसे रूपाली है, विनय है, सरफराज हमारा साथ एकदम पहला दिन से जुड़े हुए हैं, तो इसका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे इंस्टीट्यूट में। तो ये सब ये लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि कैसा लगा इधर, क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो मेरा नाम रूपाली है, मैं विरार में रहती हूँ, और मुझे ऑलवेज एक्टिंग डांसिंग ये सब फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट सिचुएशन ऐसी कि नॉलेज कुछ था नहीं, तो मैं जब भी इनसे मिली तो मुझे सब टैलेंट एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे मिला। पहले मुझे लगा कि नहीं, मुझे सेपरेटली सब एक्टिंग डांसिंग के लिए ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, बट जब टैलेंट एक ही रूफ के नीचे है तो फिर देन वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिल रहा है इनसे मुझे, एंड एक फैमिली जैसा एक दिल लगा के सिखाते हैं, एंड बहुत ही केयर और वार्म, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। और जो कि ये सॉन्ग ऐसा था वादा निकला है, आप देख ही रहे हो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल चल रहा है, तो इसके बहुत ही शानदार तरीके से वो गाना आउट हुआ है, एंड आप सबको भी पसंद आया तो उम्मीद करके। प्रसाद है और मैं विरार से हूँ, और BEF इंस्टीट्यूट में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और जब मैं फर्स्ट टाइम आया था पहला दिन तो मुझे कुछ नहीं, मतलब पता था इसके बारे में, तो स्वप्निल सर से मिला और फिर इन्होंने गाइड किया,
बहुत अच्छे से सिखाया बताया। और फिर हाँ, कैमरे के सामने आने में भी थोड़ा अजीब फील होता था, डर लगता था, बट सर ने बहुत सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी पहुँचूँगा। मेरा नाम सरफराज खान है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि एक सॉन्ग ऐसा दावादा रिलीज़ हुआ है, तो काफ़ी लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये BEF इंस्टीट्यूट और प्रोडक्शन के अंदर हुआ है, तो मैं इसके बारे में कुछ थोड़ा बोलना चाहूँगा कि ये प्रोडक्शन जो है, हम सब इंद्रनील भद्रा जी के साथ मिलके इसको बहुत शिद्दत के साथ बहुत मेहनत की है, इसे हमने यहाँ पर लाकर खड़ा किया है, तो इसके लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और इसी से रिलेटेड हम एक अंधेरे में बहुत जल्दी कुछ एक इंस्टीट्यूट खोलने वाले हैं, तो आई होप के आप लोगों से उम्मीद है कि आपकी दुआ है कि वो भी बहुत अच्छा काम करे, बहुत आगे जाए। सो थैंक यू। नाम अभिषेक मिस्त्री जी है, वो बताएंगे अपने बारे में। जी, जैसे इन्होंने बताया, मेरा नाम अभिषेक मिस्त्री है। मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर हूँ और मैं बड़ा लकी महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे इस इनके सॉन्ग वीडियो रिलीज़ जो हो रहा है उसके समारोह में मुझे इन्वाइट किया गया है। ये सॉन्ग सुना मैंने और मैंने इसका वीडियो भी देखा है, काफ़ी हार्ट फेल्ट वीडियो है ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि काफ़ी सारे लोगों ने इसको पसंद किया है और इसको देख रहे हैं। बाकी मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने अभी रिसेंटली मूवी भी की है, हिंदू की जवानी, और मेरी वेब सीरीज़ भी आई है अक्कड़ पक्कड़ रफू चक्कर, जो अमेज़ॉन प्राइम पे है, और एड्स तो मैं करता रहता हूँ। रिसेंटली जो मैंने किया था वो टाटा प्ले का ऐड किया था सैफ अली खान और करीना कपूर के साथ, और करीब भी की एड मेरी अभी रिलीज़ हुई है।